नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। सबसे पहले आज हमारे दो पूर्व विद्यार्थियों का जन्मदिवस है, वीर तेजा जी के परम भक्त रामगोपाल रियाड, आपको हमारे चैनल की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा किशन, आपको भी हमारे चैनल की तरफ से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इनका प्रशासन कौन चलाता है और क्यों इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सबसे पहले, केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश हैं जिन प्रदेशों पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। तीन विभाग ऐसे होते हैं, लोक विभाग, पुलिस विभाग और जमीन। इनके ऊपर, इन प्रदेशों में केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शुरुआत ब्रिटिश काल से ही भारत में मानी जाती है। अपने भारत में जो संविधान है, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें अनुसूची एक के अंदर ये बताया गया है कि भारत के अंदर कितने राज्य हैं तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं उसके अंदर भाग संख्या 8 के अंदर ये बताया गया है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। साथ ही अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, वो किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश जहाँ पर केंद्र का सीधा नियंत्रण माना जाता है। बाकी राज्यों में जैसे राज्यपाल का पद होता है तो इन्हीं केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल का पद होता है। वर्तमान में अपने भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं। इससे पहले भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों को जोड़कर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस प्रकार वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 से 8 हो गए हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पर उनकी खुद की विधानसभाएँ हैं और वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद है और वहाँ पर राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद है। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर विधानसभा की 70 सीटें हैं। इसके अलावा पुडुचेरी जो विधानसभा है, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर विधानसभा की 30 सीटें हैं। दिल्ली में आपको पता ही है आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा पुडुचेरी में पहले पी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इस बार वहाँ पर जो चुनाव हुए 2 मई को जो चुनाव परिणाम आया उसके अंदर कांग्रेस की हार हुई और एनडीए की सरकार बनी है। अब आगे पता चलेगा कि वहाँ पर बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। तो इस प्रकार से वर्तमान में कुल भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को अंग्रेजी के अंदर यूनियन टेरिटरी भी कहा जाता है, यूटी। अब हम देखते हैं कि भारत में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी स्थापना कब कब हुई और उनकी राजधानियां कहां कहां पर हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अपना पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। इस अंडमान निकोबार द्वीप केंद्र शासित प्रदेश की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। तीसरा जो केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिसकी स्थापना हम लोग 26 जनवरी 2020 को मान सकते हैं क्योंकि इससे पहले ये दोनों अलग अलग होते थे। दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2020 को दोनों को जोड़ के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जिसका नाम है दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिसकी राजधानी बनाया गया है दमन को। चौथा जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली,
जिसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। उसकी राजधानी भी नई दिल्ली है। पांचवा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को हुई है और लक्षद्वीप की राजधानी बनाया गया है कवारत्ती को। 6 नंबर जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुडुचेरी। इसकी स्थापना भी 1 नवंबर 1956 को मानी जाती है और इसकी राजधानी पुडुचेरी में ही स्थित है। सातवां जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसकी राजधानी जम्मू और श्रीनगर को बनाया गया है। 8 नंबर जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसकी राजधानी बनाया गया लेह को। मित्रों, आप सबको पता होगा कि केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दे दिया था 31 अक्टूबर 2019 को, और उसके दो टुकड़े करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। वर्तमान में हमें देखने को मिलता है, विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में, कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि आप हमें संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, यानी आप दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर संपूर्ण राज्य बना दो। लेकिन केंद्र सरकार ये नहीं करना चाहती। केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है वहाँ की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना, और प्रशासनिक कारणों से ही केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर राज्यपाल की जगह पद होता है उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर का, और वहाँ दोनों मुख्यमंत्री का पद है। बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर एक ही पद होता है जिसका नाम होता है प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वही वहाँ की शासन व्यवस्था संभालता है। आने वाले समय में क्या और भी कई राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है? केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनते हैं? तो इसके बारे में जो संपूर्ण शक्ति हमारे संविधान ने दी है वो केंद्र सरकार को दी है। अगर केंद्र सरकार को लगे कि और भी किसी क्षेत्र को, किसी प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, तो केंद्र सरकार उसको केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। सबसे प्रमुख जो अंतर होता है केंद्र शासित प्रदेश और एक संपूर्ण राज्य में वो यही होता है कि संपूर्ण राज्य एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री है उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको अगर कोई भी कुछ काम करना होता है तो सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की सलाह लेनी पड़ती है, उनकी इजाज़त लेनी पड़ती है। पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री, उनको भी अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले केंद्र सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रमुख अंतर होता है एक संपूर्ण राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में। एक संपूर्ण राज्य में एक इंडिपेंडेंट बॉडी काम करती है, एक स्वतंत्र निकाय काम करता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में जो सीधा नियंत्रण होता है वो केंद्र सरकार का होता है। जैसे लोक विभाग है, पुलिस विभाग है, जमीन है, इनके ऊपर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण है। दिल्ली पुलिस की बात करते हैं कि भाई बाकी राज्यों की पुलिस वहाँ की राज्य सरकारों के अंतर्गत काम करती है, क्योंकि पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की जो पुलिस है वो वहाँ के केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अंतर्गत काम नहीं करती। जैसे दिल्ली पुलिस है वो अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत काम नहीं करेगी, वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो तीन ऐसे प्रमुख विभाग है, लोक विभाग, पुलिस है और जमीन है। इन तीन प्रमुख विभागों पर केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण है, वो केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको इस वीडियो में जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी आपका डाउट या प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिएगा, मैं वहाँ पर उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।